जय हिंद जय भारत दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही में पाकिस्तान की बेइज्जती करना तो बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि पाकिस्तान को खुद को मजा नहीं आता है तब तक वो दे नहीं देते हैं। तो अब पाकिस्तान के मैच से चर्चा करेंगे। साथ देखो 16 रन 6 विकेट, ग्रीन टॉप, मैंने पहले ही बोला था पाकिस्तान का पल्ला थोड़ा सा भारी है, खतरनाक है, लेकिन इस पिच पे मैंने ये भी बोला था कि शहनशाह अफरीदी एंड नसीम शाह का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि ग्रीन टॉप विदाउट एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, खुराम ने विकेट निकाली, 6 विकेट निकाली, बट देखो लिटन दास वो आउटस्टैंडिंग खेल गया, मेहंदी हसन अच्छा खेल गया, बट बैट्समैन तो थे ही ना, ये ऐसा तो है नहीं कि बॉलरों ने फेल दिए। दूसरी बात, पाकिस्तान भाई इन गरीबों का, सूर्य कुमार यादव अभी क्रीज पे है यार, तो लगा रहे होंगे, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो अपनी कब्र से उठ के आ गए हैं, हमारे लाइव चैट में आ गए भाई पाकिस्तान ऐसी परफॉर्मेंस देख के, मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे चैट में मैसेज किया है कि ऐसी परफॉर्मेंस देख के मुझे अपनी कब्र से उठ के जिन्ना साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी कंटिन्यू क्रीज, कंटिन्यू। पाकिस्तान वाले ऐसे हैं के गरीबों के सूर्य कुमार यादव उन्होंने रखे हुए हैं, गरीबों के किंग, प्लास्टिक किंग, गोबर आजम, घंटे के किंग, डस्टबिन किंग, वो आने वाले हैं, आएंगे और जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं। मैं ये कहूंगा, देखो मैंने पहले ही कहा था बांग्लादेश एक मैच जीत चुकी है, अगर 5 दिन का खेल हो गया तो कहीं बांग्लादेश 2-0 ना कर दे, बट ये तो चमत्कार ही हो जाएगा अगर 3 दिन के खेल में भी ये काम कर गए, क्योंकि देखो भाई अगले दिन का खेल में फिर बारिश है, बट जिस तरीके से पाकिस्तान ने लगवाए हैं बड़े बड़े खड़े कर करके गधे वाले, गधों घोड़े वालों वाले सील जो इन्होंने एल लिए हैं लंबे लंबे, इनका भरपाई नहीं होगी। सुनने में आ रहा है शहनशाह अफरीदी वर्सेस शान मसूद की फाइट हो गई थी ड्रेसिंग रूम में, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि तू मैम तो सभी के साथ होती है, हीट ऑफ द मोमेंट सब कुछ होता है, फाइट भी हो गई मैं मान लिया, चलो गलत और सही छोड़ो, कंट्री कहां गई, शहनशाह अफरीदी को यहां मैच में रेस्ट देना किस बेवकूफ का डिसीजन था, और दूसरी बात नसीम शाह फिर क्यों बिठा दिया तुमने, धुरंधर जो इन स्विंग आउट स्विंग का मास्टर है जिसको खेलना आसान नहीं होता। केपी साहब भी यही कह रहे हैं कि भाई नसीम शाह को बिठाने का क्या तुक था, मुझे खुद ही नहीं समझ आई सर। भाई ये घंटे के किंग बने घूमते रहते हैं, ये शाह, शाहन शाह, गरीबों के शहीन शाह, शाहन की शाहीन, दोनों दोनों ही बिठा दिए, इनको लगा बैटिंग पिच पे तो हम हार ही गए हैं, बॉलिंग पिच पे हम जीत करके दूर सीनियर के बिना दिखाएंगे, जूनियर और सीनियर के बिना हम दिखाएंगे, बस किंग के भरोसे, किंग ने लगवा दी एल, अब शान मसूद हो गए हैं फेल। अच्छा सबको तो छोड़ो, पार्टनरशिप ब्रेक भी हो रही है, ऊपर से शान मसूद भाई साहब कैच भी छोड़ रहे हैं, टोली कैच भी छोड़ रहे हैं, ये भी सोचो गधों की टोली पाकिस्तान की झोली बराबर है भाई। अब क्योंकि देखो पहली बार डे में आपका खत्म हो रहा है मैच, खतरनाक पिच है, नाइट वॉचमैन भेजने की जरूरत थी ही नहीं। देखो आपने यार क्रिश मेरी बात सुनो, तुम मान नहीं रहे थे, मैं उस टाइम भी तुम्हें कह रही थी शान मसूद या बाबर आजम, बाबर तो आता ही नहीं, शान मसूद आ जाता ना उस वो लुढ़क जाता, खुरम शहजाद की जगह शान मसूद लुढ़क जाता। आप बात समझो, जब पिच खतरनाक है वहां बॉलर की बलि दे देना, आप एक विकेट की बलि दे देना आसान सी बात है कि बलि का बकरा बना दो, बट आप बात समझो एक बैट्समैन होता उस पिच को आसानी से खेल जाता अंडर प्रेशर, ये कल का लोंडा कहां विकेट बजाएगा, चलो हो गया सो हो गया, हो गई गुनाह हो गया, हम तुम्हें माफी देने लायक बन जाएंगे बड़ा दिल लेकर के, फिर लास्ट बॉल डे ऑफ दी आप सिंगल ले रहे हो सेकंड लास्ट बॉल पे कि तू खेल भाई, गलत कहां गए सूर्य कुमार यादव, ओ गरीबों के सूर्य कुमार यादव कहां गए, लास्ट की बॉल फेस नहीं की, फट गई नीचे से भाई, बुद्धि तो खैर इनके पास थी नहीं पैदा ही सी, मैं मानता था इस बात का, उदाहरण तो हमेशा देते ही है, बट कम से कम अंदर से भी मैसेज आ जाता है, कम से एक विकेट पे ये गेम जाता, नाइट वॉचमैन कल फिर दोबारा आता, मैं कह रहा आउट हो जाता, कोई बात नहीं आता के साथ, सवाल यह है मेंटली ब्रो ब्रेकडाउन नहीं आता, आप होते 9 विकेट है आपके हाथ में, एक दिन सर्वाइव करना है आपको, अगले दिन आपके पास देखो घूम फिर के बात आ जाती है, कुदरत का निजाम, जीत के लेने ही बस, हार से बचा दो बस, किसी तरीके से बारिश आ जाए
हार से बच जाए, या अल्लाह या तौबा, हमने जो गुनाह किया है इसकी माफी तो नहीं है, बट हमने टीम में मौलवी रखा हुआ है वो आपकी सेवा के लिए हाथ जोड़ करके हमेशा तैयार खड़ा रहता है। हाथ जोड़ के नहीं, हाथ खोल के। नहीं, हाथ ऐसे ऐसे खोलता है, बट जब वो विकेट कीपिंग करता है पिछवाड़े में हाथ ऐसे जोड़ के रखता है और इतनी बेहिसाब की अपील करता रहता है गंदा इंसान। और कैचेस इनके ड्रॉप, मैचेस इनके हमेशा ही से ड्रॉप। अब पाकिस्तान जैसी टीम, बांग्लादेश जिनका हालात खराब है, अभी पाकिस्तान से ज्यादा हालात खराब है उनके देश में। लिटन दास का घर जलाया हुआ था, वो इनको दोनों मैच बचा रहा है। यार सीरियसली बहुत ही अच्छी बात बोली है क्रिश तुमने, लिटन दास का घर जला दिया इन बांग्लादेशियों ने और वही आज बांग्लादेश का सर ऊपर करके एंड तक लड़ता रहा। क्रिश यार मतलब उसको इतने क्रैम्स हो रहे थे, वो बेचारा सिंगल नहीं भाग पा रहा था, डबल नहीं भाग पा रहा था, कभी मतलब कभी लेट रहा है, कभी क्या कर रहा है, लेकिन उन्होंने उसने इनकी जान नहीं छोड़ी एंड तक, जबकि पूरे धुएं नहीं निकाल दिए इनके, उसने इसकी जान नहीं छोड़ी। तो भाई बहुत मेहनत की लड़के ने, मेहंदी हसन मिराज की भी उतनी तारीफ करनी चाहिए, वो भी अग्रेसिव खेला, लिटन दास तो क्या सुपर्ब खेला एंड तक, जितनी जान वो पाकिस्तान की अकेला आदमी खींच सकता था उसने अकेले खींच के। 165 रन की पार्टनरशिप, भाई वो पार्टनरशिप नहीं थी, वो उनके तंबू में खुला बंबू था, ऐसे खोल दिया छतरी की तरह, फट गया इनका पछवाड़ा। अब लिटन दास देखो मैं कहता हूं इस भाई के साथ, या तो आईपीएल में इसको करोड़ों रुपए दे दो, जो इसके घर का नुकसान हुआ है वो भरपाई होनी चाहिए, ठीक है, या फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ही थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते कि भाई इस ये कंट्री के लिए हमेशा खड़ा रहा है, कल पहला मैच जीता है इसने कंट्रीब्यूट करके, दूसरा मैच ऑलमोस्ट बचा तो दिया ही है, या तो जीतेंगे या ड्रॉ होगा, सीरीज तो इतिहास रच ही दिया है, और वो भी पाकिस्तान की सर जमीन पे, रावलपिंडी में, इनकी में पिंडी में डाल दिए हैं गिंडी गिंडी गेंदों वाला गेंद में गेंदों की तरह मारा है इनको, कुत्ता बना करके मारा है भाई इनको, इनकी कोई इज्जत नहीं थी, अब इनकी खुद की आंखों में भी इज्जत नहीं है, इनकी बीवियां इनको इज्जत देगी नहीं, इनके पति जो दो पति मतलब समझ रहे हो वो लंबे लबाल वाला, वो भी इनको इज्जत नहीं देगा कि तुम्हारे लिए मैंने टीम पिच बनाई थी। मैंने आज तक नहीं देखा 26 for 6 एक घंटे में इसने 6 विकेट 16 रन देके 6 विकेट ले ली, और उसके बाद उस घंटे के बाद पता नहीं ये घंटा क्या बच गया इन लोगों का, अगले जो 2 सेशन और 1 घंटा पहले सेशन का, इनको विकेट की सूंघ भी नहीं आ रही है। माय गॉड, इतना जबरदस्त पार्टनरशिप लगा दी मेहंदी हसन मिराज ने, लिटन दास ने कमाल कर दी यार 165 रन ऐसे करके, मतलब समझ ही नहीं आई मुझे कि ये खुरम शहजाद मीर हमजा इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 6 विकेट झटका के टेल इनसे हटाई नहीं जा रही। चलिए लिटन दास और मेहंदी हसन मिराज टेल में नहीं आते, लोअर मिडल ऑर्डर आप कह सकते हैं, लेकिन यार लोअर मिडिल ऑर्डर तुमसे आउट नहीं होता, ऊपर के तुम छक्के छुड़ा देते हो, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि, एंड वो मोहम्मद अली थकेला, उसको तो यार 4 ओवर 6 ओवर बॉल करने के बाद इतने क्रैम्प पड़ रहे हैं। खुरम शहजाद शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल, उसको अजहर महमूद बाहर से आके डांट रहा है, शान मसूर डांट रहा है कि भाई अपने फील्ड के अकॉर्डिंग तुम बॉलिंग करो, तुम अपने दिमाग से बॉलिंग क्यों कर रहे हो, लेकिन वो सुनी नहीं रहा। इतना मार खाई उस आदमी ने, इतनी मार खाई आप सोच नहीं सकते। औकात, इनकी औकात दिखाना बहुत जरूरी था, तो बांग्ला टाइगर्स ने नागिन डांस नचेंगे इनकी छाती पे जाकर के, मजा आ जाएगा, रेंगेंगे इनकी छातियों पे पछवाड़ों पर। अब देखो 26 पे 6, सबने सोचा होगा भाई चमत्कार हो गया, एक्चुअल में हो गया था, बट फिर इस चीज के बाद पाकिस्तान के बड़े वाले एलक्यू लोगे, मैं बताता हूं, क्योंकि पहले घंटे में तो घंटे के बज गए थे, घंटे के किंग के बहुत ज्यादा 12 कि यार ये तो अलग ही हो गया, ये तो मैच जिता देंगे, फिर मुझे कैप्टनशिप कब मिलेगी। वो गया रिजवान मौलवी के पास, मौलवी साहब जरा सा पढ़ दो, मंत्र फूंक दो। उसने ऐसे मंत्र फूके, वहां से ना लिटन दास लिटिल हुआ साइड में, ना मीर, भाई मैं ये कह रहा हूं उसके पास मेहंदी हसन मिराज, उसने ऐसा मैजिक चलाया, अपना मिराज चला दिया, जो मिराज होता ना वो वाला चला दिया कि दिख ही नहीं रहा था। उसके बाद फिर बाबर आजम को शांति मिली, आहा साइड से वो मौलवी लिपस्टिक में, अब तो मेरी जान खुश हो ना, देखो मैंने मंत्र जादू की छड़ी घुमा दी है, अब ये कल आएंगे और गया जाया आया राम गया राम बन जाएंगे। बाबर आजम घंटे के किंग वैसे कुछ नहीं करेंगे,
रिजवान मौलवी को पकड़ लेना है, उसके साथ देना है, हम बाबर जान हम आपके साथ है, फिर इनके लगेंगे बड़े वाले हैं। क्योंकि अगर अगर और मगर की बात है, अगर दो सेशन तक भी इनको, पहले दो सेशन तक इनको ऑल आउट कर दिया, तो उसके बाद जितने भी रन है एक सेशन में भी बनाए जा सकते हैं। एंड तक, लास्ट डे तक नहीं जाना चाहिए, बारिश रुके ना रुके कुछ नहीं पता। वैसे भी आप सीरीज में आगे चल रहे हो, आपको बिल्कुल इंग्लैंड वाली रणनीति के साथ जाना चाहिए। इनके घसो घसो के इनको मारो, पानी तक मत दो इनको, थूक में डबो डबो के मारना भिगो भिगो के, क्योंकि ये इसी लायक है। क्या चल रहा था ये शिवानी, क्या चल रहा था क्या मतलब किस दिमाग का? पहले तो ये ऑनलाइन लेते हैं ट्रेनिंग। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ क्या चल रहा था। एक घंटे जो इन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली ना, 6 विकेट जो झटका दिए, 10 for 0 से 26 for 6 करना, इट इज एन अनबिलीवेबल फीट। मतलब ऐसी चीज तो कभी मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन यार पता है, पाकिस्तानियों को ना इज्जत हजम नहीं होती है। जैसे ही इन्होंने 6 विकेट उड़ाई, वैसे ही इनकी तारीफें शुरू हो गई सोशल मीडिया पे। ये देखो हमने शाहीन शाह अफरीदी को और नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया, ये देखो मीर हमजा को चांस नहीं मिल रहा था, ये देखो खुरम शहजाद को चांस नहीं मिल रहा था, ये वो लगड़ा को बाहर करो, सोफा का बाहर करो, ब्यूटी क्वीन को बाहर करो, ये वो, बस सोशल मीडिया में हल्ला चलना था। और इनको ऑब्वियसली पाकिस्तानी है तो इज्जत तो हजम होगी नहीं, इनको आदत नहीं है ना इज्जत अपनी इज्जत करवाने की। तो इन्होंने बोला नहीं भाई, ये चीज हमें पसंद नहीं है कि लोग हमारी तारीफें करें या लोग हमारी इज्जत करें, ये चीज हमें कबूल नहीं है, क्योंकि हम इज्जत के ना लायक हैं, ना कभी थे और ना कभी आगे होंगे। तो भाई इन्होंने बोला कि अब तो इन दोनों को आउट करना ही नहीं, पूरे दिन इनसे बैटिंग करवानी है, पूरे दिन अपने मुंह पे जो कालक पोतनी है हमने, ताकि एंड में हमारी फिर से वही घंटा बजे। इज्जत लेनी है तो हमें बाबर आजम के एल पे लेनी है या उसके जी पे लेनी है, किसी और के उस पे नहीं लेनी है, दम पे किसी छाती पे नहीं लेनी है हमें। हम क्योंकि छाती पे दो वीर योद्धा की तरह हम नहीं जीतना चाहते। अरे वीर योद्धा का मतलब ही नहीं पता इनको। मैं वही कह रहा हूँ कि वॉरियर की तरह नहीं हमें जीतना है। हमें जीतना है तो बाबर आजम के घंटे पे या पछवाड़े पे या लिफ्ट क्वीन के लिफ्ट पे, तो यही खेल खेलना है। तभी वो वहां पे दिखाने लगे बाबर आजम के चमचे स्टार्ट हो गए हैं, पीआर सिस्टम। देखो शाहीन शाह अफरीदी को बाहर करने का डिसीजन बिल्कुल सही था, ये देखो नसीम शाह को भी बाहर करने का डिसीजन हमारा सही था, फिर उर्फ मौलवी, यार मौलवी बचाने जाता लड़ाई, शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस शान मसूद, दोनों मिलकर उसको मारने लग जाते हैं भाई। मतलब ये कौन सा कुदरत का निजाम था, एक बंदा युद्ध को बंद करने आया है, युद्ध बंद करके उसी के ऊपर युद्ध चालू कर दिया। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है, बाकी किसी में। ये खबर लेकिन सूत्रों के हवाले से है, और जहां तक मैं मानता हूँ सूत्र यहाँ पे गलत नहीं होते। जी हमारे बड़े सारे व्यूअर्स आ गए आज, तो भाई जिन्ना साहब यहाँ ग्रेस कर रहे हैं हमें, उन्होंने फोटो भी जिन्ना की लगाई है, इतना ज्यादा फनी लग रहा है मुझे। एंड बहुत ही जबरदस्त, वैसे मुझे पता ये कौन है, बट जबरदस्त मैसेजेस है जो उनकी तरफ से आ रहे हैं। तो आज जो है आपका नाम जिन्ना साहब ही रहेगा, क्योंकि बहुत ही क्लासिक मैसेजेस आ रहे हैं। आशुतोष जी आ गए हैं, अविनाश जी आ गए हैं। अविनाश जी 26 for 6 थे वो, एंड 165 रन की पार्टनरशिप लगी है मेहंदी असर मिराज पे एंड जो हमारे लिटन दास पे, तो भाई दोनों ने कमाल कर दी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। देन केपी साहब इज हियर, केपी साहब जी आपका भी वेलकम है। क्रिश थोड़ा सा आराम से रिलैक्स, थोड़ी सी हल्की सी ऐसी नाजुक सी होने वाली, नाजुक तो आप बहुत है वैसे, हर 2-3 हफ्ते में तबीयत थोड़ी सी डाउन हो जाती है, कोई बात नहीं। जो मेरे से पाकिस्तान की बेइज्जती करवाते हो वहां की सारी हाय मुझे ही तो लगेगी। चलिए पहले सबको वेलकम कर देते हैं, यार बहुत सारे मैसेजेस हैं अभी तक, मैं सिर्फ हाईलाइट कर रही हूँ लोगों के मैसेज। तो भाई अजान खान जी आ गए हैं, एंड अजान खान जी कह रहे हैं कि आंटी हंसो मत, तो क्या करूं बेटे, और क्या करूं मैं बेटा, स्वेटर पहन लो बेटा, याद है ना तुम्हें वो है? नहीं, इसका जवाब मैं दे देता हूँ भाई, मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ ऐसे मैसेज के, यार लोगों को वेलकम नहीं करने दिया। मैं इसी वाले मैसेज पे पहले लूंगा, नहीं तो मजाक खराब हो जाएगा, मजाक खराब नहीं होना चाहिए। नाजायज औलाद, आई डोंट नो किसकी हो आप, मुझे तो नहीं लगता आपको भी पता है कि आपके माई बाप कौन है। चलो पाकिस्तान की तरह ही बहुत सारे होंगे अब्बू जान बोलने वाले, तो हम तो हंसेंगे क्योंकि तुम्हारी पाकिस्तान ऐसे तुम्हारे तंबू में बंबू ले रही है और घंटे के किंग फेल हो रहे हैं। हथौड़ा का है आपका? अरे यार आज हथौड़ा मिस हो गया क्योंकि पाकिस्तान की बेइज्जती करने में मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया।
चलिए एनीवे मैं सबको पहले वेलकम कर देती हूँ, काफी लोग आए हुए हैं यहाँ। तो भाई पापे पाकिस्तान जो हमारे जिन्ना साहब है, पापा ए पाकिस्तान, उनका सबसे ज्यादा यहाँ वेलकम है। एंड आशुतोष जी आपका भी वेलकम है, अविनाश जी आपका वेलकम है, मधु कुमार एक नया नाम मुझे लग रहा है, एंड आपका भी वेलकम है। अभी आपका ही मैसेज हम लेंगे, पहले मैं सबको वेलकम कर देती हूँ। देन केपी साहब इज हियर, काफी उनके भी मैसेजेस आए हैं। एंड उसके बाद यूसुफ जी इज हियर, यूसुफ जी यू आर वेरी वेरी वेलकम, आप ही का चैनल है। एंड बड़े सारे मैसेजेस यूसुफ जी के भी आए हैं। एंड अमित गांगुली जी इज ऑल्सो हियर, वो बांग्लादेश की बहुत तारीफ कर रहे हैं, बांग्लादेश की तारीफ बनती भी है। तो भाई थर्ड क्लास है हम दोनों, अजान खान जी कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम अगर थर्ड क्लास है तो आप कौन सी मतलब आपका तो नंबर ही नहीं आता, क्योंकि अगर हम थर्ड में आ गए तो आप इतने पीछे हो गए कि नंबरों की गिनती जो इनफाइनाइट में खत्म हो जाती है, उसके बाद इनफाइनाइट रेस टू द पावर इनफाइनाइट जो होता है वो आप हो। वैसे आप समझ में कहां आएगी गरीबों के नाजायज बच्चे को, पहले तो आपको इनफाइनाइट नहीं पता होगा, ठीक है, चलो इनफाइनाइट पता भी हो तो रेस टू पावर इनफाइनाइट नहीं पता होगा। तो भाई वही आपका हाल है, अगर हम थर्ड क्लास है तो आप सोच लीजिए आप कहां किस नंबर पे पकड़ते हैं। सो एनीवे मधु कुमार जी कह रहे हैं पाकिस्तान मिस द ट्रिक, दे शुड हैव ट्राइड किंग बाबर एज द नाइट वॉचमैन। तो भाई किंग बाबर ने तो आना ही नहीं था, मैं आपको सच बता दूं, डरपोक लोग जो है लास्ट के एक ओवर दो ओवर नहीं खेल सकते, उसके लिए जिगरा चाहिए होता है। एंड जिगरा जो आज दिखाया, वो छह विकेट जिसने लिए थी उसने जिगरा दिखाया, लेकिन वो बेचारा भी कुछ नहीं कर पाया, उसका जिगरा जो है वो धुएं में फ्रर हो गया और खत्म हो गया। देखो 90 रन देके 6 विकेट ले लेना, मैं कहता हूँ 6 विकेट तो अच्छी है, बट ऐसी पिच पे 90 रन दे देना क्वेश्चन मार्क है बड़ा। यहाँ पे अगर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह होते तो 100% 90 रन नहीं देते, वो 88 रन उन्होंने भी लुटाए थे, बट वो फट्टा विकेट पे बैटिंग विकेट पे 3 विकेट वहां पे भी ले लेते, यहाँ पे वो रन्स भी कम देते विकेट भी ज्यादा लेके जाते, तो पाकिस्तान के चांसेस थे जीतने के। उन्होंने पहले ही प्लेइंग 12 वहां अनाउंस की, में से वो एक स्टार बल्ले ऑलराउंडर या बॉलर कह दूंगा वो निकाल करके इन्होंने जो भिखारियों की टीम, मैं कहूंगा ना मर्दों की टीम बना दी, वैसे ही ना मर्दों की थी पहले से, लेकिन ओवर बना दी, फिर तो कहां जीतना था।